धोड़ ग्राम पंचायत में भोले ग्रुप के युवाओं द्वारा गोवंश को लंपी वायरस से बचाने के लिए युवा रात में जागकर गायों के लिए गुड़, काली मिर्ची, हल्दी, आंवला चूर्ण, काला जीरा, मुलेठी चूर्ण, अजवाइन इत्यादि मिश्रित युक्त आयुर्वेदिक लड्डू बना करके दिन में और सुबह शाम लंपी वायरस से ग्रस्त बीमार गोवंशों को गलियों और चौराहे पर घूमकर आयुर्वेदिक लड्डू खिला रहे हैं। साथ ही फिटकरी पे नीम के पत्तों के पानी और औषधीय दवाइयों का स्प्रे कर गोवंश को इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। गोवंश के लिए काल बनकर आई लंपी स्किन डिजीज बीमारी से गायों में गोवंश को बचाने के लिए अब देसी उपचार का सहारा लिया जा रहा है। गोरक्षा के लिए भोले ग्रुप धोड़ के युवाओं द्वारा स्वयं सेवक जन सहयोग से गाय के लिए स्पेशल आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर संक्रमित गोवंशों और पशुपालकों को भी आयुर्वेदिक लड्डू वितरित कर गोवंशों को खिला रहे हैं। युवाओं का कहना है कि लंपी वायरस को भगाना है, गोमाता को बचाना है। जिस तरह कोरोना वायरस से लड़कर भगाता है, उसी तरह से लंपी वायरस को भी लड़कर के गोमाता को बचाएंगे। 3 दिन से जहां पर गोवंशों के बैठने के स्थानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी कर रहे हैं।